आ जाओ भैया, हम जाके खोलते हैं दरवाजा। ओ दादा, आई आई। कैसे हो सत्य सिंह? बिल्कुल ठीक है। पोपट जी के साथ कितने घर देखे आपने? बेटा दो घर देखे, लेकिन मुझे लगता है कि अगली बार शेफाली को भी मैं अपने साथ में लेके जाऊंगा, उसे ज्यादा पता लगेगा। आखिर तुम दोनों को ही तो घर में रहना पड़ेगा। क्या क्या रवि के यहाँ वापस चले जाएंगे? नहीं बेटा, मैं तो जाने की कभी भी नहीं सोच रहा। जब तक तुम मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर नहीं निकालोगे, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। दादा, मैं ऐसा क्यों करने लगी? आप जानते हैं जब से आप यहाँ है ना, मैं कितना सिक्योर महसूस कर रही हूँ। जिंदगी में मैंने कभी इतना सिक्योर नहीं महसूस किया। ये क्या देख रहे हो जी आप? बस कुछ पेपर्स छांट रही डरा। अब जब शिफ्ट करने का सोच ही लिया है तो सोच रही थी कि अपने पेपर्स ठीक ठाक कर लूँ, संभाल के रखूँ। मेरे शेयर्स, मेरे यूनिट, मेरे इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज। मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है और कितना है। दादा, हम बिटिया को कभी से समझा रहे हैं कि आपन अपनी एजेंसी में जाना शुरू कर दे, पर बिटिया है कि मानती नहीं। क्यों जी, तुम जाना नहीं चाहती? नहीं दादा, मैं एडवर्टाइजिंग के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहती हूँ। जितने पैसे और सिक्योरिटी की मुझे ज़रूरत है वो तो मेरे पास है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जब तक अपने बलबूते पे चलेगी, चलती रहे, जिस दिन वो घाटा करना शुरू कर देगी मैं उसे बंद कर दूंगी। लेकिन जिया, तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। घर में अकेली बैठ के क्या करोगी? तुम्हारी क्वालिफिकेशंस हैं, तुम्हारी काबिलियत है, तुम्हारा बैकग्राउंड। मैं जानती हूँ दादा, मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जो मेरे लिए मतलब रखे, कोई मायना रखे, बेशक मुझे मुनाफा ना दे। दादा, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो मुझे सेटिस्फेक्शन दे। बेटे, तुम शेखर की ख्वाहिश को पूरा क्यों नहीं करते? कौन सी ख्वाहिश? उसने अपने खत में एक चीज लिखी थी कि उसके दोस्त इरफान के लिए तुम केस फाइट करो, उसे जेल से छुड़ो। तुम्हें नहीं लगता कि शेखर की ये इच्छा पूरी करने के बाद तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगी? हाँ दादा, ये बात ठीक है। क्यों सती सिंह? दादा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिटिया बाहर जाइए, अनु काम काज करिए, तो ही सके थे उनसे कोई नया रास्ता निकला। बिटिया बाहर जाइए तो शेफाली बिटिया की भी मदद हो जाइए। ये लो। एक मिनट भाई, आज रात के तो 9:30 ऐसे ही बज चुके हैं, और हाउ डू एक्सपेक्ट ये सुबह 9 बजे तक काम खत्म करेगी? जैसा तुम समझो। अबे व्हाट डू यू मीन बाय जैसा तुम समझो? अबे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि ये रात भर क्या सिर्फ काम करती रहेगी? भाई क्यों, किस लिए? मैं डिनर पे जा रही हूँ इसलिए। विशांत। यस बॉस। विशांत, मुझे लगता है आज तो हम सबको रात भर काम करना पड़ेगा। यानी कि तुम भी? हाँ विशांत, मैं भी, मुझे भी बहुत सारा काम करना है, और मैं चाहता हूँ कि वो सारा काम करता जाऊं ताकि बाहर जाऊं तो कम से कम चैन से रहूं, किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो मुझे। ग्रेट, इसका मतलब आज रात भर काम करने में बड़ा मजा आएगा। उर्वशी, बाय द वे, तुम तो डिनर पर जा रही हो ना? मैं नहीं, तो ठीक है, फिर सब लोग अपना अपना काम करो। अगर रात को देर हो जाएगी तो मैं सबको घर छोड़ूंगा। ओके ओके बस भाई, अब हमें अपने अपने काम में जुट जाना चाहिए। एंड शिखा, बाय द वे, अब तो उर्वशी भी है, तो ये भी तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद तो कर ही देगी। उर्वशी, तुम तो कहीं नहीं जाओगी, बिकॉज बॉस कहीं नहीं जा रहे। वेरी फनी। आयशा तुम्हें पढ़ा रही है? सवाल ही नहीं उठता।
तो फिर उसकी बातें सुन क्यों रहे हो तुम? कहाँ आंटी, ऐसी सोशियोलॉजी इसको पढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी। मैंने तो अपनी ग्रेजुएशन हिस्ट्री में की है। अच्छा? जा शराब। मम्मी, मैंने इसको बोला कि डबल बीए कर ले, लेकिन अगर इसने मेरी बात सुनी होती ना तो फर्स्ट ईयर की एग्जाम दे चुका होता और मेरे साथ सेकंड ईयर की एग्जाम में बैठता ये। जैसे कुछ मेरे पास करने को है ही नहीं, वेलना हो ना मैं। एक बात बताओ, तुम सच्ची वेल्ले हो? ओके ओके, स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट। तुम्हारी एग्जाम शुरू कब से हो रही है? 20 दिन के बाद, और मुझे पिछले बार जैसा फर्स्ट क्लास नहीं पास होना है। मम्मी, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। इसका मतलब है शिखा के एग्जाम्स भी 20 दिन के बाद है और उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। मुझे संजीव से बात करनी पड़ेगी ताकि हम उसके पेपर्स की तैयारी कर सकें। उसे पास तो होना ही पड़ेगा। हेलो। हेलो संजीव। यस बेटा, मैं शिखा की मम्मी बोल रही हूँ। ओह हेलो बॉस आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही हूँ ना? अरे नहीं नहीं बॉस, बिल्कुल नहीं। अच्छा, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स 15 दिन में शुरू हो रहे हैं ना? शिखा को भी एग्जाम्स के लिए अपीयर होना पड़ेगा। बिल्कुल बॉस आंटी, वरना हमारी सारी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। संजीव, हमें थोड़ी और कोशिश करनी पड़ेगी। शिखा अपनी मर्जी से तो पढ़ेगी नहीं। आंटी मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे पढ़ाया करें? यस दैट्स एक्सीलेंट। तो फिर ठीक है बॉस आंटी, मैं कल ही आपके पास आ जाता हूँ और हम दोनों बैठकर एक मास्टर प्लान बना लेते हैं। ओके थैंक यू सो मच संजीव। अब ये देखिए बॉस आंटी, अब थैंक यू कहकर मुझे ऐसा महसूस करा रही है जैसे मैं कोई बाहर वाला आदमी हूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम्हारी बॉस आंटी तुम्हें ऑर्डर करती है कि तुम अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार हो जाओ। ये बात हुई ना बॉस आंटी, ठीक है मैं कल आता हूँ। बाय। ओके बाय संजीव। शेखर ही क्यों? आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था उसने? शेखर जाने से पहले एक खत छोड़ गया था। वो चाहता था कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मेरी मैंने उसे बहुत समझाया, उसे मैंने बहुत समझाया कि वो दुनिया बदलने की कोशिश ना करे। लेकिन लेकिन मैं यहां से निकल के जाऊंगा कहां? कहां जाऊंगा? कहां रहूंगा? क्या खाऊंगा? कम से कम यहां मेरे सर के ऊपर एक छत तो है। जेल से निकल कर तुम क्या करोगे, क्या खाओगे, इसके बारे में हम तभी सोच सकते हैं जब तुम जेल से बाहर निकलोगे। पता नहीं, मुझ पर यकीन करो। ठीक है जया जी, आप कहती हैं तो यही सही है। जिंदगी ने मुझे कई बार आजमाया है, लेकिन आज आपके कहने पे मैं एक बार जरूर जिंदगी को आजमाऊंगा। तो ये लो। क्या है? मैंने कहा ना, मुझ पर यकीन करो। पावर ऑफ अटर्नी है, इसका ये मतलब है कि मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारा केस लड़ सकती हूँ। जय जी।
मेरी जिंदगी में पहली इंसान है जो मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार है। इसके लिए तो तुम शेखर का शुक्रिया अदा करो। अगर उसकी तमन्ना नहीं होती तो शायद मैं तुम्हारी मदद नहीं करती। सारा काम हो गया, सारे पब्लिकेशंस और टीवी चैनल्स को हमारा नया थ्रिल का कैंपेन पहुंच गया है। Now we are all set for the launch. रितिका, the countdown has begun. थ्रिल का कैंपेन एडवर्टाइजिंग की दुनिया और सारे ग्राहकों के दिलों पर छाने के लिए तैयार है। तो मानती हो मैंने ठीक कहा था, एक हफ्ते के अंदर अंदर नया कैंपेन तैयार करके दिया कि नहीं? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। रवि, अगर हमारे इस कैंपेन के बारे में भी उन्हें पता चल गया तो? रितिका, पहली बात तो यह है कि उन्हें पता चल नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि अगर उन्हें पता चल भी गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दिस कैंपेन इज गोइंग टू बी नंबर वन। रवि, आपने रूपाली से बात की इस बारे में? हाँ, मैंने रूपाली से बात की, लेकिन मैंने बात जरा घुमा फिरा कर की। मैं बात माँ बाप और बच्चों पर ले गया। मैंने उसे समझाया कि जिस तरह माँ बाप बच्चों के बिना अधूरे होते हैं, उसी तरह बच्चे भी माँ बाप के बिना अधूरे हैं। इंसान के लिए जिंदगी में परिवार से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई चीज नहीं। बाकी सभी रिश्तों के बिना वो रह सकता है, उसका गुजारा हो सकता है, लेकिन परिवार के बिना नहीं। इसीलिए परिवार से झूठ बोलना, परिवार से प्यार तोड़ना, ये सब गलत है। ये सब कहा और फिर मैंने उसे करेक्ट हाथों में, यानी कि सही हाथों में सौंप दिया। किसके? प्रीति के। प्रीति का ये मत भूलो कि प्रीति खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन रही है, साथ साथ वो रूपाली की मां भी है। इससे बेटर कॉम्बिनेशन रूपाली को कभी नहीं मिल सकता। प्रीति रूपाली को उन संस्कारों, उन एथिक्स के बारे में, उनकी अहमियत, ये सब समझाएगी जिन्हें शायद रूपाली भूल चुकी थी, या शायद उसने कभी उन्हें इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा। रवि, हाँ, उस दिन दादा ने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जया प्रसाद की एजेंसी को संभालो, और शायद सही गाइडेंस न मिलने की वजह से रूपाली ने भी कुछ गलतियां की हैं। आपको नहीं लगता कि इस वक्त रूपाली को संभालना ज्यादा जरूरी है? मैंने तुम्हें कहा ना कि प्रीति संभालेंगे। रितिका, रूपाली एक ना एक दिन जया की जिंदगी में, जया की एजेंसी में वही जगह लेकर रहेगी जो एक वक्त मेरी हुआ करती थी। शी विल बी हर राइट हैंड। और मैं ये एजेंसी छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने ये साबित करके दिखाना है, अपने लिए भी और डैडा के लिए भी, कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। ये मेरे लिए भी इतना ही जरूरी है रितिका, जितना कि रूपाली के लिए। मैं चाहता हूँ कि रूपाली को मुझ पर, मेरी कामयाबी पर नाज हो। अगर मैं ये थ्रिल का कैंपेन न करता, या अगर करके मैं नाकामयाब हो जाता, तो रूपाली का तो दिल ही टूट जाता। तुम्हें पता है मैं जतिन रैना के ऑफिस क्यों गया उससे मिलने? जिन लोगों से मैंने अपने सारे करियर में कुछ नहीं मांगा, उनके पास क्यों गया ये रिक्वेस्ट लेकर के 4-5 दिन में मेरे लिए ये कैंपेन तैयार कर दो? पता है, सिर्फ रूपाली की खातिर। मनी मन में रूपाली चाहती है कि मैं उसका बाप जीतू, हारू नहीं। रितिका, मैं अपनी बेटी के लिए एक रोल मॉडल बन गया हूं, और रोल मॉडल को जिंदगी में हमेशा एक कदम आगे रहना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए वो रोल मॉडल है उसे उससे इंस्पिरेशन मिलती रहनी चाहिए, तभी मुझे यहां काम करना है, कामयाब होना है। समझे? नहीं, मेरा मतलब है, ठीक से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, समझी। विक्रम, भेलपूरी बनाने में भी आसान और पेट के लिए भी हल्की फुल्की। लो, टेस्ट करो। No, thank you. आज तक तुमने भगवान के खिलाफ
भूख हड़ताल की कि उन्होंने तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लिया। अब ये मत कहो कि उनके खिलाफ केस लड़ने आई हो। अगर ऐसा है तो मैं तो ये केस लड़ने वाला नहीं, क्योंकि भगवान एक है जिनके खिलाफ आप कभी नहीं जीत सकते। क्यों मुझे खाम खा हंसाने की कोशिश कर रहे हो? यहां कैसे आना हुआ? विक्रम, दिस इज अ प्रोफेशनल विजिट। क्यों, तुम्हें कोई परेशान कर रहा है क्या? नहीं तो? तो फिर शेखर, जो चिट्ठी छोड़ गया था तुम्हें याद है? एक एक लफ्ज याद है मुझे। विक्रम, मैं चाहती हूं कि इरफान का केस तुम लड़ो। वेल, उसके लिए पहले उससे बात करनी पड़ेगी, उसे कन्विंस करना पड़ेगा कि तुम उसके लिए केस लड़ रही हो। एक वकील के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उसके दस्तखत लेने पड़ेंगे, और उसके बाद वो अगर तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब उसके लिए लड़ने का हक देता है, तो फिर आगे हम कुछ कर सकते हैं। ये रही पावर ऑफ अटॉर्नी, चेक इट आउट। तुम्हें कभी किसी सलाह की जरूरत पड़ती है क्या? कभी नहीं। खैर, इस केस में खर्चा कितना आएगा? खर्चा? तुम पागल तो नहीं होगी? ये तो सोशल सर्विस जैसी बात है। गॉड सेक विक्रम, इस दुनिया में सोशल सर्विस जैसी कोई चीज नहीं है। जिन लोगों के पास थोड़ा होता है वो उन लोगों के लिए थोड़ा सा खर्चते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। मेरे पास थोड़ा सा है, इसके लिए मैं खर्च रही हूँ। लेकिन 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 कुछ नहीं। तुम जानते हो मैं कैसी हूँ, मुझे डोमिनेट करने की कोशिश मत करना, वरना मैं ये सब उठा के किसी और वकील के पास चले जाऊँ। एक मिनट, एक मिनट, मैं डोमिनेट कहा कर रहा हूँ, पर मुझे भी ये चुनने का हक है कि मैं किससे फीस लूं और किससे नहीं। विक्रम, मेरे तलाक के केस में तुमने मुझसे पैसे लिए, शेखर के केस में तुमने मुझसे पैसे लिए, तो इस केस में तुम पैसे क्यों नहीं ले रहे हो? विक्रम, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूं, लॉ इज योर बिजनेस। अरे तुम तो किसी मक्खी को मुफ्त किसी मकड़ी के जाल से भी ना छुड़वा। लेकिन जया, प्लीज, मुझे हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। ये मत सोचो कि मैं अपने बेटे की मौत के लिए कुछ सौदा कर रही हूं, समझे? ठीक है, बताओ कितना खर्च आएगा? मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि उसके खिलाफ क्या क्या चार्जेस हैं और आज तक इस केस में क्या क्या हुआ है। मैं जानती हूं जितना पता मैंने लगाया है उससे ज्यादा पता तुम लगाओगे। मैं जितना जानती हूं वो इस फाइल में है, बाकी अब टू यू। तुम कहां जा रही हो? दादा के पास। टन 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 तारा चल चलती है क्या नौसी पारा। दीदी आपके कहो। थैंक यू मारा। प्रिया दीदी कहां है? वो बाहर गई सैर के लिए। मैंने ही उनसे कहा कि ऐसी हालत में उनके लिए घूमना फिरना बहुत अच्छा है। वैसे दीदी मैंने पहले भी एक ऐसी औरत के यहाँ काम किया है जो पेट से थी। अच्छा? हाँ, ऐसी औरत के यहाँ काम किया है जिसके पेट में बच्चा था, ऐसी औरत के यहाँ काम किया है जिसके कोई बच्चे ही नहीं थे, ऐसी औरत के यहाँ भी काम किया है जिसके एक दो तीन बस बच्चे। बस बहुत हो चुका। वैसे ही ऐसी औरत के यहाँ भी काम किया जिसके दो जुड़वा बच्चे थे। माला तुम चुप नहीं बैठ सकती, एक बार बकवा करना शुरू कर दिया कि शुरू। मुझे क्या पता आपको मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं बोलूंगी। हे भगवान, बोल दे जो चाहे बोल। अच्छा दीदी मैं लाइट ऑन कर दूं? वैसे मुझे क्या पता आपको मेरा बोलना इतना बुरा लगता है। मुझे तो हुआ कि आप अंधेरे में इसलिए बैठी हैं कि आप बहुत दुखी लग रही हैं, तो इसीलिए मैंने बड़बड़ करना चालू कर दिया। मुझे क्या पता था कि मैं क्यों दुखी होंगी। अरे आप अकेली जो हो जाती है, आपकी तीन तीन बेटियां होते हुए भी 8-9 बजे तक किसी का कोई पता ही नहीं। और घरों में ऐसा थोड़ी होता है दीदी। तो कैसा होता है और घरों में? और घरों में तो अगर रूपाली दीदी, आयशा दीदी और शिखा दीदी की उम्र की लड़कियां देर रात गए लौटती है ना, तो उनके घर वाले उन्हें बहुत डांटते हो तो मारते भी हैं। अच्छा, लड़कियों को इतनी आजादी कभी नहीं देनी चाहिए। माला, मैं अपनी बेटियों को बेटी नहीं मानती, अगर मेरे बेटे होते ना तो उनके साथ भी ऐसा ही सुलूक करती मैं। हाय राम, औरत होकर ऐसा कह रही हैं आप? औरत हूं इसलिए ऐसा कह रही हूं। तभी तो मैं कहती हूं कि आप किसी देवी से कम नहीं। वैसे भी कल रात मैंने देखा आप मेरे सपने में साक्षात सरस्वती देवी के रूप में आई थी।
माला तुम पागल हो वाकई। अच्छा दीदी, क्या कल रात भैया बड़ी देर गए लौटे थे? क्या उनकी भी कोई वो है? ए, बकवास बंद कर। दीदी माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। वो जिसके यहाँ मैं पहले काम करती थी ना, उसके पति के भी कोई वो थी, इसलिए वो बहुत देर रात गए लौटते थे। लेकिन कल रात जब मैंने आपके कमरे में सुना ना, तो मुझे कोई लड़ाई की आवाज सुनाई नहीं दी, तो मैंने अपने आप से कहा कि माला ये बहुत गलत है, बहुत गलत सोच रही है, आप तो बिल्कुल साक्षात सरस्वती का रूप है। माला ये लो और किचन में जाके रखो, जाओ। दीदी मैंने अगर कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना। जा,